सारे प्रोग्राम क्या है? यू तो खोज लो, कुछ नहीं खोज लो, चलो मैं प्रोग्राम देख लूँ बच्चे वाले। तो बालक ये देखा इंटरफेस, अब आ जाओ सब कुछ निकाल दो, सब कुछ खाली सारे खाली करो। ये आपका इंटरफेस, बात नहीं बालक, ये आपका इंटरफेस हो गया। और ये क्या हो गई बोलो? क्लास हो गया, सब निकाल दिया बेटा। डिसेबिलिटी ब्लैंक इंटरफेस एंड ब्लैंक वर्ड क्लास। इसलिए बेटा अगर 2+ पे जा रहे हो तो इंटरफेस और एक्सटेंड क्लास का डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। तो इंटरफेस और एक्सटेंड क्लास का डिफरेंस और वर्चुअल और एक्सटेंड फंक्शन का डिफरेंस अगर तुमको नहीं पता है, आई प्रॉमिस बेबी आई विल आस्क अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ WCF, आई विल गिव यू लॉजिकली स्लैप, आई विल नेवर कॉल यू ऑन मोबाइल। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो इंटरफेस, अगर बेटा इंटरफेस है तो क्या बोलो? कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। इंटरफेस का और जब पढ़ोगे डिजाइन पैटर्न, एक आता है UML, UML में बेटे इंटरफेस ना होता है, क्या होता है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट किससे अचीव होता है बोलो? इंटरफेस। तुमको साले कहा था ये काम करने तो करने, हमें एक्सक्यूज मत दो तो हमने काम। अब आ जाओ बेटे, इसलिए इंटरफेस का हर फंक्शन क्या बोलो? अब सुन लो, अंदर सुनिएगा। मुझसे पूछा इंटरफेस और स्टैट क्लास में डिफरेंस क्या? सर कुछ नहीं है, बच्चे वाले काम। सर इंटरफेस में बना देंगे फंक्शन, उसको डिफाइन काम कर देंगे बोलो क्लास में, बदतमीज का प्रॉक्सी लेंगे और फंक्शन कॉल कर देंगे। प्रोग्राम सर पैर के नीचे रखता है संदीप कलर। क्या डिफरेंस इंटरफेस और स्टैट क्लास में? सुनिए अंकल, समझ में डर मत मुझसे। इसके फादर ने, इसके उसके फादर ने, एक दादाजी ने इसके एक रूल लिखा, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा, एक रूल। बट वो रूल इसके परंपराएं में चल रही है। इफ एनी रूल कैन बी फर्दर इंप्लीमेंटेड ओनली इन कंसर्न और डिराइव्ड क्लासेस, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मेरी रूल मेरा बेटा फॉलो करेगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा रूल मेरी भतीजी भी फॉलो करेगी, क्यों? उसका बाप अलग है। सो व्हाट इज इंटरफेस एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? सो रश्मि, द बेटा लॉजिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, द रूल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ओनली अफेक्टेड टू इज ओनली चाइल्ड। इनके रूल इनके बेटे तक सीमित है, इनके रूल किसी मोहल्ले के बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। बट बेटा वन इंटरफेस, इंटरफेस का रूल हर के लिए क्या बोलो? इफेक्टिव। जैसे ये इसके पापा और इनके पापा के बड़े भाई, दोनों की डिफरेंट हायरार्की है, पर दोनों के लिए गुरु दादाजी कॉमन है। अगर दादा ने बनाया रूल, दोनों बेटे को फॉलो करना पड़ेगा। पर एक बाप ने बनाया रूल, ये मत कहो उसका बड़ा भाई भी फॉलो करेगा। तो वन इंटरफेस कैन बाइंड टू नॉन रिलेटेड क्लासेस, मेबी नॉन रिलेटेड क्लासेस, बट इन रूल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास सुपर इन द सेम हायरार्की। तुमने इंटरफेस यूज किया है सर? क्या है डिस्पोज पैटर्न? क्या है? चाहे मेरा बेटा कंसोल एप्लीकेशन हो, चाहे मेरा बेटा विंडो एप्लीकेशन हो, चाहे डार्लिंग मेरी वेब एप्लीकेशन वाले, हर एप्लीकेशन में वो ऑफिस कैपिटल डिस्पोज होना चाहिए। तो डिस्पोज पैटर्न इज एग्जांपल। इसलिए बेटा आई डिस्पोजेबल इंटरफेस है, और उसका बेटा बोलो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बोलो कौन है? डिस्पोजल। इफ यू आर मेकिंग अ प्लान, दैट प्लान कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड in same hierarchy, it is called abstract class. But your plan can affect it to all the what?
नॉन रिलेटेड क्लॉज इन द इंटरव्यू। समझ गए? तो इंटरफेस के पहले लगेगा बेटा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इंटरफेस और डिक्लेयर्ड एज ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटे जितने यहां फंक्शन होंगे बेटे साले सारे क्या होंगे, बोलो स्ट्रैक्ट फंक्शन होंगे। पर बेटे यहां स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखते नहीं है, ये लिखते हैं। सो व्हाट इज ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट? इफ एनी फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज ए ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, इट इज मार्क एज ए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अब सुन ले बेटा रश्मि, डिफरेंस बिटवीन प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन? सर हंस के साले के ऊपर देखकर सरकास्टिक कमेंट्स में, सर व्हेन आई वाज डूइंग एमसीए व्हाइल डूइंग एकेडमिक आई हैड माय C++, देयर मे बी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। इट मीन्स नो डिफरेंस बिटवीन प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। जावा एंड सी शार्प सेज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। प्रोग्रामर ऑफ C++ कॉल अंकल जो आते हैं भैया मेरे, जो आते हैं क्लास में सी की, वो बंदा नोकिया का प्रोजेक्ट मैनेजर है सरदार जी। वो अंकल 95 का रुकी इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट है, 95 का बी सिविल है, इस सेंटर का सबसे मोस्ट क्वालिफाइड बंदा है। उसकी नॉलेज ऐसी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इस NCR में वैसा बंदा मिल नहीं सकता है। वो बंदा काम करता है C++ में। अब वो IIT बन गया, पहले वो क्या था, रुकी इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसे मैंने सीखने के लिए क्या क्या नहीं करे हैं, घंटों घंटों उनके गेट के पास मैं खड़ा रहा, सिखा दो भैया। मैं सीखने के लिए कुछ भी करने को तैयार, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेल माई नॉलेज। आई कैन सेल माई नॉलेज बट आई विल प्रिजर्व द नॉलेज। इंटरफेस का हर फंक्शन अंकल एब्स्ट्रैक्ट है, और यहां पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या बोलते हैं, मतलब ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, और फंक्शन क्या बोलो, ऑपरेशन। फंक्शन परफॉर्म द ऑपरेशन, फंक्शन परफॉर्म द टास्क, और यू हैव टू परफॉर्म द टास्क। ये वर्ड को देखो, वर्ड कॉल कॉन्ट्रैक्ट। सर मुझे जाना है। नहीं बेटे ये काम करके जाना है सर, प्लीज। नहीं ये काम करके जाना है, सॉरी सर करके जाऊंगा। अब तुमको बेटा जो लिखना लिखो, बच्चे वाले जो लिखना लिखो, बोरिंग का स्ट्रिंग माय डेटा, मतलब आपको बेटे ये फंक्शन डिफाइन करना मस्ट है। तो मैं बेटे मार्केट से काम लाता हूं, अपनी टीम को एडजस्ट करता हूं, काम का पैटर्न मुझे पता है, सारे फंक्शनलिटी मैं प्रोवाइड करता हूं, तुम साले क्या करोगे, फंक्शन को केवल डिफाइन करो। इट मीन्स इफ एनी क्लास इज यूजिंग द इंटरफेस देन दैट क्लास इज बॉन्डेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अदरवाइज ही इज ए जानवर क्लास। देयर इज अ वेरी फैमिली विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट अ फैमिली बेबी। मेरा बेटा भी 6-7 साल का है, हमने सपना देखा कि मेरा बेटा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से IIT करे। मैंने सपना देखा है, वो सपने के लिए कुछ भी करने को दिया। अगर बाप उसका रुड़की से निकला है तो बेटा IIT रुड़की से निकले, ये मेरा सपना है। उसके लिए हम कुछ भी करने को दिया, उसको मारने के लिए, पीटने के लिए, प्यार देने के लिए, मैं सब कुछ करने को दिया। इज माई ग्रेट ड्रीम, तो तुमको पूरा करना है। और गले को भेज दिया देहरादून आज जाओ, छोटा बच्चा अभी 3rd क्लास में है, जब क्रैश कोर्स करो। बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू गो इन टॉप
यू हैव टू मूव विद अबाउट डिसिप्लिन एंड वेरी नो कंप्रोमाइज बिटवीन ब्रेकिंग एंड डिसिप्लिन. अब बना दिया, अब ये क्लास इस इंटरफेस से क्या हो रहा है बोलो? साले मार दूंगा जान, याद रखना इंटरफेस और क्लास के बीच में इनहेरिटेंस नहीं. अभी वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा क्लाइंट है. मैं उसको बेटा समझ लूंगा कि प्यार आ जाएगा. इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास के बीच में इनहेरिटेंस है, और बेटे इंटरफेस और क्लास के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. उसकी 1.5 महीने की छुट्टी है, वो फन कर सकता है. तुम 3 वीक वहां से आओ और 3 वीक फन करो, कोई दिक्कत नहीं. मैं तुमको साले 6 वीक हम फन नहीं करने देंगे. अब बेचारे बूढ़े आदमी, उसको 3 वीक अपने पास रखेंगे, एक रूम लेंगे, जो भी करेंगे, और 3 वीक उसके साथ रहे. तुम 3 वीक कंप्लीट करके आओ, तुमको जो फन करवाना मैं करवाता हूं, बट तुमको मैं 6 वीक फन नहीं करने. उससे क्या होगा, जो नमूना 6 वीक के बाद उसको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा. क्यों? वो नॉन पॉलीमॉर्फिक बन जाएगा. बिकॉज ही हैज वेरी गॉट अ हैबिट टू प्ले एवरी टाइम दैट. हो गया अंकल? अब इसको ये फंक्शन डिफाइन करना क्या है बोलो? मस्ट. हमने कर दिया अपना काम, चले गए. अब मेरे प्रोग्रामर आएंगे, लिंक क्यू पिंक क्यू आती कि नहीं, कहते तेरे को एडिट ऑडिट आती कि नहीं, उसका हेड है. अब वो डेटा बेस ला के दे, मैं उसके लिंक लिखे, चाहे एडिटिंग फ्रेमवर्क लिखे, चाहे एडिट ऑडिट, उससे मुझे मतलब नहीं. पब्लिक उसको डिफाइन करना मस्ट है. नाम क्या था उसका? स्ट्रिंग. कंट्रोल सी. अब ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्लिक कर दो, आ जाएगा फुल. हमारा राइट यहां पे क्लिक कर दो और क्या लिखा हुआ है? इंप्लीमेंट. उसकी पूरी बॉडी आ जाएगी. इसको डिफाइन. बिल्कुल पहली क्लास है. हम डेटाबेस एक्टिविटी क्यों करें करें? अब तो मैंने यहां पे क्या लिखो? डेटाबेस. जो तुमको जाकर लिखना लिखो लैब में अपना. मेरी क्लास का भी वेट करो, फिर रिटर्न दे दिया अमित सिन्हा. ये बेटा कहां से फेच करो? डेटा बेस से फेच करो. अगर तुमको एडिट ऑडिट आती तो वो लिखो, या लिंक क्यों लिखो, या एंटिटी फ्रेमवर्क लिखो. तब तुम 3 तरीके से क्रिएटिविटी करके दिखाएंगे. पहले एडिट ऑडिट से, देन लिंक क्यों से, देन फ्रेमवर्क 4.0 फीचर, एडिट ऑडिट एंटिटी मॉडल. इस वक्त बेटे आप इसके कॉन्फिग में आओ. कॉन्फिग में इस वक्त WCM नीचे आओ, आते जाओ. जब तक आपको ये नहीं मिलता है, जब तक आपको सर्विस मॉडल टैग नहीं मिलता है, आते जाओ. और बेटे याद रखना, इस सर्विस मॉडल टैग के 2 सब टैग होते हैं. 2 सब टैग, एक सर्विसेज, एक बोलो बिहेवियर. अभी जो मेरा बेटा बिहेवियर है, सुन, डिफरेंस क्या है सर्विस और बिहेवियर में? मेरा बेटा बिहेवियर जो है वो इंग्लिश की ओर है, HTTP की ओर है. मेरा बिहेवियर विंडो वाले को नहीं देना है. तो बेटे इस वाले बिहेवियर के अंदर अभी बेटा एक ही प्रोटोकॉल इनेबल है, बोलो कौन? HTTP. नेक्स्ट संडे का वेट कर, 2 बिहेवियर बनाएंगे. सर्विस में क्या है? मेरी ABC है, बोलो कौन है? ABC, एड्रेस, बाइंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट. एड्रेस क्या होगा? पूरा URL. बाइंडिंग मेरी कौन है? बोलो प्रोटोकॉल है, चाहे HTTP कर, चाहे TCP कर. और कॉन्ट्रैक्ट क्या है गुरु? आपको फंक्शन डिफाइन करना मस्ट है. और उस इंटरफेस का नाम क्या था? सो व्हाट इज ABC? एड्रेस, बाइंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट. HTTP, सुन ले, HTTP: colon www
yahoo.com. It's a better address. It's called end point. If you break end point, you will have three parts: A, B, or C. तो बेटा ए पूरा आपका बोलो क्या हो गया, एड्रेस हो गया, HTTP बोलो क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया, और yahoo.com किस चीज के लिए बनाया, मेल के लिए, क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, हर साइट का अपना पर्पस है, वो क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पे क्लिक करो, सर्विसेज पे क्लिक करो, सर्विसेज पे क्लिक करोगे सर्विस मिलेगा, अब सर्विस को बंद करो, और सर्विस के अंदर बोलो क्या मिलेगा, अब इसको बंद करो, ठीक से देखो, तो क्या देखा अमित, सर याद कर ले, रूट पूछते हैं इंटरव्यू में कि तुम मुझे सर्विस मॉडल का पूरा स्ट्रक्चर लिख के दिखो, तो सर्विस मॉडल का सबसे रूट टैग बोलो कौन है, सर्विसेज, उसके अंदर बोलो कौन है बेटा, सर्विस है, और सर्विस के अंदर बोलो कौन है, ABC है, एंड पॉइंट है, और बिहेवियर में क्या है, मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो बिहेवियर का, अब बेटा बिहेवियर पे आ जाओ, इसको बंद कर, अब तुमने क्या देखा, बिहेवियर्स रूट टैग है, बिहेवियर्स, इसका सब टैग बोलो कौन है, सर्विस, बिहेवियर, और उसके अंदर बोलो कौन है, बिहेवियर, और बिहेवियर के अंदर बोलो कौन है, सर्विस, मेटा डेटा, तो बिहेवियर्स के अंदर सर्विस बिहेवियर, उसके अंदर बोलो कौन, बिहेवियर, उसके अंदर बोलो कौन, सर्विस, मेटा डेटा, मैं जो सर्विस प्रोवाइड करूंगा अपने क्लाइंट को इस प्रोटोकॉल के ऊपर। इस वक्त अमित सिन्हा ये WCF बिल्कुल वेब सर्विस की तरह काम कर रहा है, क्यों, इस सिंगल प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, एट दिस पॉइंट नो डिफरेंस बिटवीन WCF एंड वेब सर्विस, बट आई से बेबी इट हैज गॉट पॉलीमॉर्फिक नेचर, आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हो, सो डोंट वरी टू मिस माय नेक्स्ट संडे क्लास, आई विल गो फॉर चेंजिंग दी व्हाट WCF बिहेवियर, अगर तुमने बेटा बिहेवियर चेंज कर लिया, नाउ यू आर गोइंग गुड इन WCF, अरे सर ने, तो सर्विस मॉडल को ठीक से पेंसिल से नोट कर लेना, सर्विस मॉडल का सब रूट टैग, सर्विसेज, उसके अंदर बोलो कौन, सर्विस, बेटा सर्विस क्या, मेरा दुकान है, किस चीज का है, सर मेरा दुकान जनरल स्टोर का है, अच्छा बताओ उसका एड्रेस क्या है, सर D55 सेक्टर से मैंने दुकान खोला है, अच्छा अच्छा ये बोलो क्या है, एंड पॉइंट, और सामान क्या बेच रहे हैं, सब्जी, चावल, दाल, ये बेटा क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग क्या है, आप ये दुकान पे कैसे आओगे, किस प्रोटोकॉल से आओगे, और एक क्या बोलो, एड्रेस, ए बी एंड पॉइंट कंसिस्ट एड्रेस बाइंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का बेटे मतलब होता है सर तुम सर्विस क्या दे रहे, इसका मतलब सुनना, एम्स के पास, सुनना बेटे, एम्स के पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, कैसे, वो हार्ट को भी देखता है, वो डेंटिस्ट को भी देखता है, तो एक एंड पॉइंट में आपके पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, बोलो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसा में चलो वो कैसे बतलाएंगे बाद में, ये बंद हो गया बेटा, इसको रन करो, हमने कुछ नहीं करा, इसको रन किया, ये आपको बोलो क्या मिल गया, ये आपको मिल गया एंड पॉइंट, अब बेटे इस एंड पॉइंट को ठीक से देखो, ये आपका बोलो क्या है, पूरा क्या, ये कंप्लीट क्या बोलो, एड्रेस है, और HTTP क्या बोलो, बाइंडिंग है, और किस चीज का सर्विस है, वो क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा नाम देते बोलो कौन, ऑथर, प्रॉपर्टी डीलर, ये सब बोलो क्या बोलो, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके नाम से पकड़ लेते, ये चाहता है, ये देना क्या चाहता है मेरे, हाँ ये आपने पेस्ट कर लिया, अब कहाँ जाओ, पता क्या करेंगे, अब क्या खोलेंगे, बोलिए, कमीशन आपको ध्यान रखना है बेटे, ये ध्यान रखना है कि आपको WCF में क्या सीखना है बेटे,
और ये सोच कि तुम अगर जॉब उससे सर पुश कर सकते हैं, तुमको बेटे तीन काम सबसे पहले करना, WCF को तुम्हें जावा से कॉल करना आना चाहिए, पहला। जब WCF को ASP.NET से कॉल करना आना चाहिए, और मेरा अगला प्रोजेक्ट जो बनेगा सिल्वर लाइट के ऊपर, WCF को सिल्वर लाइट से कॉल करना आना चाहिए। अगर ये बेटे नहीं होगा फिर हेटरोजेनस एनवायरमेंट। और बेटे जावा में भी कहा, जावा के विंडो फॉर्म से तो उसको कौन सा प्रोटोकॉल देंगे बोलो, TCP देंगे। और आपको WCF में बेटे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन किसी ना किसी संडे को WCF को आपको non.NET से कॉल करना है। अगर WCF बेटे केवल .NET के ही प्रोडक्ट से कॉल हो रही है, ये सर्विस ओरिएंटेड नहीं, ये होमोजेनियस सर्विस है। हमें किस पे काम करना है बोलो, हेट्रोजेनियस पे। तो बेटा पेट क्वेश्चन है, अगर तू गया गधा इंटरव्यू के लिए, बोलेगा तू मुझे WCF को पुराने जमाने के ASP से कॉल करके दिखाओ, लिखवाएगा बेटे पूरा सिंटैक्स तो लिखवाया अरोड़ा से आईटी टेक्नोलॉजी में, PM ज्वाइन किया है वो, तुम WCF को मुझे ASP से कॉल करके दिखाओ। क्यों, मेरा पुराना वेबसाइट किससे बना हुआ है बोलो, ASP में, वहां से कॉल करके दिखाओ WCF। सर पढ़ के कहते बोलो कहां से कॉल करना, ASP.NET से और सिल्वर लाइट से, गधे ने कहां से पूछ दिया बोलो। अच्छा एक काम करो यार, मेरा बीवी का एक फॉर्म बना, बीवी के फॉर्म को अमित सिन्हा दो। अमित सिन्हा बोलो कहां पढ़ा हुआ, बोलो वेब सर्विस में, WCF में, बोलो कॉल कहां से कर रहे हैं बोलो, विजुअल बेसिक के फॉर्म से। कमीने हैं, मेरे से कमीने, पढ़ के गए सिल्वर लाइट से, पढ़ के बोलो कहां से कॉल करके गए, ASP.NET से, गधा कहां से पूछ रहा है, जावा के AWT से और GSP से, PHP से, ESP से। अगर तुम सर्विस बेचते हो बेटे, तेरा खरीदार कोई भी हो सकता है। अंकल 2010 की बात है, 2008-9 की बात है, एक बंदा मुझसे कोर्स करने यूके से यहाँ आया, यूके से केवल 12-22 में रूम लिया और 3 महीने मुझसे पढ़ाई करके यूके गया। अब ये बंदा बैठा है, गौरव नाम है उसका, जिसका नाम गौरव है, इस यूएसए माइक्रोसॉफ्ट। हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कहता मनी डजंट मैटर फॉर मी, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। मैंने कहा बेटे स्काइप से पढ़ ले, टीम व्यूअर से पढ़ ले, गो टू मीटिंग से पढ़ ले, यहाँ क्यों आना चाहता है, वहीं पे कोई अच्छा फैकल्टी से, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, आई विल प्रोवाइड माई सर्विस टू एनी वन, non.NET और .NET। आपको बेटे याद रखना है, आपको 4-5 तरीके से कॉल करना पड़ो WCF को, बीवी से, ASP से, ASP.NET तो करोगे ही करोगे, सिल्वर लाइट से, और एक बोलो कौन, non.NET जावा से। चले गूगल पे जा, लिख आई वॉन्ट टू कॉल WCF बाई GSP वेब पेज या सर्वर लाइट्स या AWT या स्विंग, सिंटैक्स मिल जाएगा तेरे। तो आप बेटे टॉमकैट इंस्टॉल करो, टॉमकैट पुथी रखो GSP और GSP का पेज बनाओ और WCF कॉल, तो बेतरीके फंसो। हो गया अंकल, अब हमने क्या चूज किया, वेबसाइट, ठीक है। तो मान लो बेटे अगर आपको नहीं आता है, आप जाओ बस गूगल पे पांचों जो नाम बोले हैं उसका सिंटैक्स कॉपी में नोट कर लो, बात खत्म। हाँ बेटे रश्मि, अब इन्होंने क्या किया है, .NET से कॉल करने के लिए टूल प्रोवाइड कर दिया, बोलो कौन, SVC Util। इस टूल का बेटे ड्रॉबैक ये है, ये केवल .NET के प्रोडक्ट से ही कॉल होगा, पर मुझे विजुअल बेसिक से कॉल करना है, जावा से कॉल करना है, जाके पता कर कौन सा टूल है प्रॉक्सी लेने के। अब देख मैं बेटा दोबारा फिर से खोल रहा हूँ WCF, आप फिर दिलरथी से देख नहीं पाए, अंकल देखिए क्या लिखा हुआ, ये खुद एडवर्टीजमेंट करता है, तुमको मुझसे कांटेक्ट करना है ये मोबाइल नंबर ले। आदित्य गुप्ता क्या करती है, मेरे फेसबुक पे मैसेज देती है, इज ए वन बैच बला बला डेट कॉन्टैक्ट नंबर दीप्ति गुप्ता। तो बाई दिस कॉन्टैक्ट नंबर आई कैन कम्युनिकेट टू यू सर, आई कैन टेक योर प्रॉक्सी, दिस इज अंकल कमांड, यू कैन टेक ओनली प्रॉक्सी बाई सॉफ्टवेयर ऑफ .NET।
अ लैंग्वेज ऑफ डॉट बट नॉट नॉन डॉट नेट कधीरी जावा पीएचपी और एस पी परसों मैंने वो साहेब अरोड़ा के द्वारा जो आते थे पहले फाइजर के पहले मैनेजर साहेब कपूर लिखता है वो मेरे फेसबुक पे साहेब कपूर इज वेरी कॉपरेटिव पर्सन तो मैंने दो बंदे भेजे दोनों को थप्पड़ मार के भगा दिया लॉजिकल बोलता है तुम्हें डब्ल्यूसीएफ को कॉल करके दिखाओ पीएचपी से आपको बैठे टूल खोज के रखना है कि मैं कहां से कैसे कॉल इन वे कम बैक टू पॉइंट देख लीजिए टूल का नाम एसबीसी यूटर अब यहां आ जाओ अब बोलो कहां गए फाइल न्यू कहां आ गए बोलो वेबसाइट और क्या चूज किया एसपी डॉट नेट अब आ गए उस धनुष्य की बोलो कौन होगी लाइन टू कुछ नहीं है बच्चे वाले काम है ये वाला करोगे तो बोलो कौन होगा वेब सर्विस होगा ये वाला बोलो करो तो क्या होगा बोलो डब्ल्यूसी अब यहां पे क्लिक करो उस एंड पॉइंट को पेस्ट कर दो आपको प्रॉक्सी दे देगा ओके कर आ गया अब वेब पेज के ऊपर आओ इसके डिजाइन में आओ बच्चे वाले का अब क्या लिखा टूल बॉक्स एक क्या ले लो बटन ले लो अब कहाँ आ गए क्लिक इवेंट पे निमें स्पेस का नाम क्या आएगा सर्विस रेफरेंस वन डॉट क्लास का नाम सर्विस क्लाइंट एस बोलो क्या बन गया ऑब्जेक्ट और फंक्शन का नाम क्या था एस डॉट अभी बैठे प्रोटोकॉल के द्वारा उस प्रोटोकॉल पे रश्मि एक इनवेलप बनेगा और इनवेलप के द्वारा बोलो क्या आएगा वो डेटा आएगा बोलो कौन अमित सिंह गेटिंग तुम कुछ जो करना करो डेटाबेस कनेक्टिविटी करो फंक्शन से आर्गुमेंट पास करो रॉ नंबर पास करो वहां से नेम लो डेटा सेव करो तुमको जो करना व्हाट यू हैव डन इन वेब सर्विस गो फॉर डूइंग बाय बाय डब्ल्यूसीएफ पर अभी याद रखना अभी डब्ल्यूसीएफ नहीं है बोलो इट इज बिहेविंग एज अ व्हाट वेब सर्विस इंसर्ट बनाओ अपडेट बनाओ जो बनाया आपने लास्ट संडे कन्वर्ट इन टू व्हाट डब्ल्यूसीएफ एंड नेक्स्ट संडे डॉट मिस माई क्लास आई विल गो इनेबलिंग सिविल प्रोटोकॉल बाई डब्ल्यूसीएफ एंड टू गो फॉर एक्सेसिंग बाई विंडो क्लाइंट और वेब क्लाइंट और वन मोर क्लाइंट ऑफ नॉन डॉट बेटे प्रॉक्सी क्लास है